सरकार से कोई बात नहीं है, या सरकार हमारे भावनाओं को उन्होंने हमसे पूछा है? उन्होंने कभी हमसे नहीं, उन्होंने उसका जो गलत ट्रैक चलाया, उन्होंने जो रिपोर्ट उन्होंने सामने किया है, ये सारासर उनका गलत रिपोर्ट है। और इसी वजह से आज उन्होंने जिस तरह से आज बेरोजगार सब पे पूछ रहे हैं कि हम कौन सा नौकरी दें, किस आधार पे दें। आपने कोयला, बालू और गिट्टी को जो बेच रहा, कितना छात्र यहाँ के नौजवानों से, अरे यहाँ के मूलवासियों से आज ने पूछ करके आपने किया है। तो आज जिस तरह से उन्होंने बिहार को का जो नियोजित जो वहाँ का वैकेंसी आया, जो विज्ञापन आया, उन्होंने कहा कि जो बिहार का स्थायी निवासी हो उन्हीं को यहाँ पे उसका पत्रता रखता जो बिहार का। तो झारखंड में पूरा भारत का निवासी का क्या मतलब है रे भाई? भारत का नागरिक होने का क्या मतलब है? इसका साफ जाहिर होता है कि हमारी सरकार ने हम लोग को गुमराह कर रहा है और हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है। इसीलिए आज हम लोग इसको सचेत कर रहे हैं। हम लोग दर बर दर हम लोग स्टेप बाई स्टेप संविधान के आधार पर अपना आंदोलन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अगर इसमें भी सचेत नहीं हुआ तो हम लोग 1 अप्रैल को पूरा संथाल परगना बंदी का आह्वान किया है, और इसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो जितना बड़ा भी 18 विधानसभा में एक भी विधायक और एक भी MLA कोई भी मंत्री अपना विधानसभा क्षेत्र में घूम नहीं पाएगा। इसके लिए हम लोग इसको सचेत कर दे रहे हैं। अगर 1 अप्रैल तक इसका नियोजन नीति स्थानीय खत्यान आधारित नियोजन नीति को परिवेषित करके इस जो वैकेंसी लाए इस आधार पर नियोजन नहीं करना कर दिया तो स्वागत है कि इन लोगों को पूरा 18 विधानसभा से भागना पड़ेगा। यहाँ का विधायक और मंत्री लोगों को सत्ता पक्ष के सिर्फ लोबी नंबरम और CPM का जो विधायक विनोद सिंह को छोड़ करके। आप क्या चाहते हैं 1932 आधारित खतियान का जो है उस पर स्थानीय? हमारी मांगे हैं जिस तरह से बिहार ने बिहारियों के लिए पूरा सीट को उन्होंने जिस तरह से अपना खतियान के आधार पर वहाँ के नौजवानों को वहाँ के आपका बिहार के स्थायी निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर जिस तरह उन्होंने वैकेंसी लाया, हम भी ये चाहते हैं कि भाई झारखंड, इसीलिए झारखंड अलग हुआ था ताकि हमारे नौजवान को नौकरी मिले। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 32 ना 36 कुछ नहीं, जिसके हाथ में खतियान है वही झारखंड है, उसी को नौकरी दिया जाए। हम लोग इसी चीज़ का मांग कर रहे हैं। सरकार को तकलीफ कहाँ पे हो रही है? आज जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से छात्र इसमें आए हैं? इसमें पूरे छात्र सभी छात्र ने इसमें भागीदारी ली है। ये तो अभी टेलर है, ये सारे जितने जिस तरह उन्होंने विधानसभा में कहा मैं शेर का बच्चा हूँ, यहाँ का सारे जंगल पहाड़ से आए हुए शेर का बच्चा है। हेमंत जी सुधर जाइए, नहीं तो आने वाला कल आपके लिए ये सारे शेर का बच्चा आपका सिंहासन को हिलाने के लिए तैयार हो चुके हैं। समय है, अगर बचा सके तो बचा लीजिए अन्यथा आपका सिंहासन 24 में जाने वाले हैं।